नमस्कार विद्यार्थियों, आज का हमारा टॉपिक है जनसंख्या का वितरण एवं उसका घनत्व। राजस्थान की जो जलवायु है उसको देखते हुए राजस्थान में जनसंख्या का वितरण भी अत्यधिक असमान है, और इस असमान वितरण का जो प्रमुख कारण है वो है राज्य की प्राकृतिक परिस्थितियाँ, यानी कहीं मरुस्थल है, कहीं अरावली है, कहीं मैदान है। इस वजह से राजस्थान कि जो जनसंख्या का वितरण है वह असमान हो जाता है। साथ ही आर्थिक विकास के स्तर में भी भिन्नता इसका प्रमुख कारण है। वर्ष 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार राजस्थान की जो कुल जनसंख्या थी वह थी 6,85,48,437। राज्य में जनसंख्या वितरण वास्तव में अत्यधिक असमान है, और इस असमानता का प्रमुख कारण मैंने आपको पहले ही बताया है कि प्राकृतिक जो परिस्थितियां हैं वह है। जयपुर जिला जो है वह सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला है, जिसकी जो जनसंख्या है वह 66,26,178 रही है। इसके बाद में जो दूसरे स्थान पर आते हैं वो है जोधपुर और अलवर, जिनकी क्रमशः जो जनसंख्या है वह है 36.87 लाख व 36.74 लाख अंकित की गई है। जैसलमेर जिले में सबसे कम जनसंख्या है, यानी 6.69 लाख व्यक्ति रहते हैं। राज्य में 10 लाख से भी कम जनसंख्या वाले और भी ज़िले हैं, जिनमें प्रतापगढ़ है। दूसरी ओर 20 से 30 लाख की जनसंख्या वाले ज़िलों में बीकानेर, चूरू, झुंझुनू, नागौर, उदयपुर, सीकर, अजमेर, भरतपुर, बाड़मेर, पाली और भीलवाड़ा है। साथ ही राज्य के जो शेष जिलों में 10 से 20 लाख तक की जनसंख्या निवास करती है। ये जो जनसंख्या का असमान वितरण है वो एक ओर तो भौगोलिक दशाएं जैसे उच्चावच, जलवायु, जल की उपलब्धता, मृदा की उत्पादकता पर निर्भर है। दूसरी ओर कृषि, उद्योग, पशुपालन, सिंचाई, खनिज आदि पर नियंत्रित है, यानी जहाँ मैदानी भाग होंगे वहाँ जनसंख्या ज़्यादा होगी, जलवायु जहाँ की सम होगी वहाँ जनसंख्या ज़्यादा होगी, जल की उपलब्धता के आधार पर जनसंख्या की वृद्धि क्या निवास होगा, मृदा की उत्पादकता यानी कि मृदा उर्वरक मृदा होगी तो खेती के लिए लोग वहाँ ज़्यादा रहेंगे। साथ ही जहाँ उद्योग लगाने की संभावना हो या उद्योग हो वहाँ पर रोजगार के लिए लोग ज़्यादा रहेंगे, पशुपालन हो जहाँ पर, साथ ही जहाँ पर सिंचाई की सुविधा हो, खनिज खनन आदि होने पर ही जनसंख्या का बसाव वहाँ होता है। जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से देश के औसत से भी राजस्थान काफ़ी नीचे हैं। विगत 100 वर्षों में राज्य के जो जनसंख्या घनत्व है वह 5 गुना से भी अधिक बढ़ गया है। 1901 में जहाँ जनसंख्या का घनत्व 30 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था, वहीं 2001 में 165 तथा 2011 में 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हो गया। अब आपको ये जो सारणी दी गई है इसमें भी बताया गया है कि किस तरह से घनत्व जो है वह बढ़ रहा है। जैसे 1901 में राजस्थान का घनत्व 30 व्यक्ति प्रति वर्ग था प्रति वर्ग किलोमीटर व्यक्ति था, वैसे ही 2011 में 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हो गया। तो इस तरह से आपको ये तुलनात्मक स्वरूप स्पष्ट हो गया होगा। जनसंख्या का ये जो घनत्व है वह राज्य के विभिन्न जिलों में अलग अलग तरह से विविधता लिए हुए हैं। तो जयपुर ज़िले में सर्वाधिक घनत्व 595 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। इसके बाद जो भरतपुर है उसका स्थान है, वहीं दौसा में 503 और दौसा में 476
तथा अलवर में 438 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर घनत्व है। राज्य में सबसे कम जनसंख्या घनत्व जो है वह जैसलमेर जिले में केवल 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। 2011 में राजस्थान की जनसंख्या घनत्व को मानचित्र 14.2 में आपको बताया गया है, और साथ ही राज्य के अधिकतम और न्यूनतम घनत्व वाले जिलों में आपको ये जो सारणी दी गई उसमें देखो बताया गया है कि अधिकतम जो जनसंख्या घनत्व है वो है 6 जिले बताए हैं, जैसे जयपुर में 595 है, भरतपुर में 503 है, दौसा में 476 है, अलवर में 438 है, धौलपुर में 398 है, बांसवाड़ा में 397 है। वहीं जो न्यूनतम ज़िले हैं वो 5 बताए गए हैं। जैसलमेर में मात्र 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हैं क्योंकि वहाँ पर थार का मरुस्थल है। बीकानेर में 78% है, बाड़मेर में 78 है प्रति वर्ग किलोमीटर, बाड़मेर में 92 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, चूरू में 147 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है और जोधपुर में 161 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। अब पहले भी मैंने आपको बताया है कि जनसंख्या का वितरण और घनत्व को जो प्रभावित करते हैं वो सारे तत्व प्राकृतिक ज़्यादा हैं। जलवायु राजस्थान की जनसंख्या को सर्वाधिक प्रभावित करती है। राज्य का जो पश्चिमी मरुस्थलीय भाग है वहाँ पर वर्षा मात्र 25 सेंटीमीटर से भी कम होती है तथा उच्च ताप रहता है। यह भाग कम जनसंख्या को प्रश्रय देता है क्योंकि जहाँ कृषि जैसा उद्यम संभव नहीं है तो केवल यहाँ पर पशुपालन ही मुख्य उद्यम है। दूसरी ओर अरावली के पूर्व और दक्षिण पूर्वी राजस्थान की जलवायु उपयुक्त होने से यहाँ पर अपेक्षाकृत अधिक जनसंख्या निवास करती है। फिर है उच्चावच। तो उच्चावच की दृष्टि से राज्य में पश्चिम में रेत का विशाल सागर है, बालू का स्तूप है जहाँ जनसंख्या न्यून है, और मध्य राजस्थान में अरावली की पहाड़ियाँ जनसंख्या को प्रभावित करती है। फिर है पूर्वी राजस्थान का मैदानी भाग और हाड़ौती का पठार अधिक जनसंख्या को प्रश्रय देता है क्योंकि पूर्वी राजस्थान में एक तो मैदान है और हाड़ौती के पठार में अधिक से अधिक खनिज खनन की उपलब्धता है। फिर है जल की उपलब्धता। राजस्थान में जल जो है वह एक महत्वपूर्ण कारक है। राज्य में ऐसे स्थल भी हैं जहाँ पर पीने के पानी के लिए दूर दूर तक जाना होता है। एक समय ऐसा भी था जब इस प्रकार की परिस्थितियाँ संपूर्ण पश्चिम में राजस्थान में थी, परंतु अब अनेक स्थानों पर विकसित राजस्थान बनाते हुए यहाँ पर जल की उपलब्धता करा दी गई है। किंतु निश्चय ही जहाँ जल सुलभ है वहाँ पूर्वी दक्षिणी और दक्षिण पूर्वी राजस्थान, तो वहाँ पर जनसंख्या का केंद्रीकरण भी हुआ है। इसी प्रकार मृदा के उपजाऊपन से प्रभावित होकर वहाँ जनसंख्या का जमाव हो रहा है। फिर है आर्थिक कारकों में सिंचाई की सुविधा होगी तो जनसंख्या का जमाव होगा। नहरों द्वारा सिंचाई के कारण ही गंगानगर और हनुमानगढ़ जिले में जनसंख्या का बसाव है। इसी तरह अब बीकानेर जिले में भी जनसंख्या वृद्धि हो गई। इंदिरा गांधी नहर का जल अब जैसलमेर भी पहुंच गया, अतः वह दिन भी अब दूर नहीं जब वहां पर भी जनसंख्या अधिक हो जाएगी। इसके अलावा अन्य क्षेत्रों में कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, बांसवाड़ा आदि में भी सिंचाई की सुविधा है, इसीलिए वहाँ जनसंख्या अधिक निवास करती है। फिर है कृषि के विस्तार से जनसंख्या वितरण भी प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होता है। फिर पशुपालन जो है वह राजस्थान में जनसंख्या के स्थानांतरण को जन्म देता है, यानी जहाँ जहाँ पशुओं को उचित चारा और रहने के लिए जगह मिलेगी वहाँ वहाँ जनसंख्या जो है वह आगे आगे चली जाती है। खनिज खनन व औद्योगिक विकास से राज्य के कुछ क्षेत्र जैसे खेतड़ी, देबारी, जावर, जयपुर, कोटा, अलवर, उदयपुर, भीलवाड़ा आदि में निरंतर जनसंख्या वृद्धि हो रही है। तो राजस्थान की जो जनसंख्या है यहाँ पर पड़ने वाले जो अकाल है उससे भी ये जनसंख्या का वितरण प्रभावित होता है।
अकाल के समय जो पश्चिमी राजस्थान है वो सर्वाधिक प्रभावित रहता है और वहाँ से लोग अपने पशुओं के साथ पलायन भी करने लगते हैं। तो ये तो था विद्यार्थियों आपके राजस्थान की जनसंख्या का घनत्व कैसा है और वहाँ की जो प्राकृतिक परिस्थितियाँ उसके आधार पर वितरण किस प्रकार है। तो धन्यवाद विद्यार्थियों।